नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। एंड अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का आपको यहां पर एक भी रुपया नहीं देना है। एंड जो भी हमारी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी एंड उसका लाभ आप ले सकते हैं। आज हम आपको एक नई भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। कैबिनेट सचिवालय में निकली है भर्ती दोस्तों, विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, अलग अलग क्वालिफिकेशन बेस पर निकली है दोस्तों, अलग अलग सैलरी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। एंड यहां पर आपको उसका नोटिफिकेशन कहां पे मिलेगा, आवेदन कैसे कर सकते हैं, सभी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक YouTube चैनल होने के साथ साथ, जैसे आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, हमारी वेबसाइट को जरूर सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है GOURNEWS24। GOURNEWS24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे, GOURNEWS24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पहली वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इसे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको फॉलो का बटन दिख रहा होगा। सरकारी नौकरी कैबिनेट सचिवालय में 160 पदों पर भर्ती निकली है दोस्तों, तो इसमें आप अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को जरूर लाइक कर कमेंट जरूर करिएगा। कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकले। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cabsec.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है एंड भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकता है। ठीक है, भर्ती का पद कौन सा है तो दोस्तों भर्ती का पद यहां पर आप देखेंगे कि डिप्टी फील्ड ऑफिसर का है। आवेदन शुरू होने की तारीख इसकी 21/9/2024 से इसका आवेदन शुरू हो रहा है एंड लास्ट तारीख 21/10/2024 इसकी लास्ट तारीख है। आवेदन निःशुल्क है, एक रुपए भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा कोई भी प्रकार का, चाहे एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क है। टोटल पदों की बात करें तो दोस्तों 160 पद है। चिन्हित किया गया कौन कौन से पद हैं, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 80 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के 80 पद हैं, टोटल 160 पद यहां पर आप देखने को मिल जाएंगे। एंड यहां पर आयु सीमा की बात करें तो 30 वर्ष आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 से 5 साल की छूट यहां पर दी जाएगी। एंड यहां पर योग्यता क्या क्या रहेगी, वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से कंप्यूटर साइंस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वीआई बीटेक या एमटेक में फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो शिक्षा संबंधित आपको डॉक्यूमेंट यहां पर देना है अप्लाई करते समय। ठीक है, सैलरी की बात करें तो दोस्तों लेवल 7 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी जो कि 95,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट एग्जाम में मिले स्कोर कार्ड के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट भी यहां पर आपके होंगे। ठीक है, आपको 4 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। पहली प्रोसेस क्या है, आपके जो गेट में एग्जाम हुए हैं उसके अगर आपको नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चौथा मेडिकल टेस्ट होगा। अगर ये चारों टेस्ट में या एग्जाम में आप चारों को पास कर लेते हो, ठीक है, चारों प्रोसेस को अगर पास कर लेते हो तो आपको 95,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। आवेदन किस प्रकार से करना है, आपको इसका ऑफलाइन आवेदन करना है। उम्मीदवार को इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों, पोस्ट बैग नंबर 01 लोधी रोड हेड पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली 11,003 पर आपको भेजना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां से आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको डाउनलोड होने को दिख जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो आवेदन फॉर्म है, ठीक है, आवेदन फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको आवेदन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही तो अधिक से अधिक आपके कमेंट यदि आते हैं तो हम ये फॉर्म आपको लाइव फिल कर दिखाएंगे। ठीक है, इसका हम प्रिंट आउट निकाल कर इसे आपको लाइव फिल करके दिखाएंगे अगर आपके अधिक से अधिक कमेंट आते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें सचिवालय कैबिनेट सचिवालय में आवेदन करना है तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। कब तक, इसकी लास्ट डेट कब है, तो इसकी लास्ट डेट दोस्तों 21/10/2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आवेदन जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिया। धन्यवाद।